हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी और वरिष्ठ पत्रकार रोहित चंदावरकर जुड़े हैं। वेंकटेश जी, आज जो ये ऑल पार्टी मीट हुई, वहां से आपको कोई ऐसी बात समझ में आई जिससे कि ये जो आंदोलन अब तेज हो गया है, कई जगहों पे हिंसक हो गया है, वो कुछ शांत होगा? क्या आंदोलनकारियों के लिए ऐसी कोई बात थी इस ऑल पार्टी मीट में? ऐसा है कि आज की जो मीटिंग रही है, उस मीटिंग से ठोस कुछ नहीं हुआ है। वो जो मांग कर रहे हैं कि हमको समय दीजिए, हमको समय दीजिए, और मनोज जरंगे पाटिल कह रहे हैं कि कितना समय चाहिए, ये समय के बारे में सरकार क्लियरली कुछ नहीं बता रही है। और जरंगे पाटिल जो है, जो अनशन पे बैठे 8 दिन से, वो अपना अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। इस बीच में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जो विभाग है, और उसके लगत जो नासिक हो, अहमदनगर हो, दूसरी तरफ सोलापुर हो, वहाँ भी वायलेंट रिएक्शन आ रही है। तो सिर्फ अपील करने से अब ये कोई राजनीतिक दल मराठाओं को कंट्रोल करेगा, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है और जो MLAs है, MPs है, वो डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं। चाहे वो उन्होंने स्पीकर के साथ नहीं दिया होगा या फिर लोकसभा या असेंबली के, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये आंदोलन ने डर पैदा किया कि हम जीत के नहीं आएंगे। तो ये डेडलॉक है, ये डेडलॉक तोड़ने में आज की मीटिंग में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ सफलता मिली है। तो ये जो डेडलॉक हो गया, इसको तोड़ने में आज की मीटिंग सफल नहीं रही है। मनोज जरांगे पाटिल से उनके भूख हड़ताल खत्म करने की भी अपील की गई पहले भी, पर वो कह रहे हैं कि भूख हड़ताल वो खत्म नहीं करेंगे, वो शांति से बैठे हुए हैं। पर इस कुछ दिनों पहले रोहित जी, ये बात हुई थी कि कुनबी सर्टिफिकेट्स दिया जाए उन लोगों को जो कि निज़ाम काल के पहले ही जो कुनबी सबकास्ट में आते थे, तो इस तरह का भी प्रस्ताव दिया गया है। इससे कुछ लगता है आपको कि इस मसले को हल करने में कहीं पर कोई आसानी होगी? और कितनी बड़ी है ये आबादी मराठों की, कितना मतलब परसेंट है जिनको कि ये OBC में आरक्षण चाहिए? क्या मुमकिन होगा ये? देखिए नगमा जी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने की संभावना है, क्योंकि ये जो लैंड रिकॉर्ड्स है और जो खेती करने वाले किसान हैं या नहीं है, उसका जो 50-60-70 साल का इतिहास देखना पड़ेगा, और उसमें से काफी सारे दस्तावेज जो है, लैंड रिकॉर्ड जो है, वो निजाम जमाने के हैदराबाद में है या फिर अभी जो तेलंगाना राज्य है वहां पे वो है, तो वहां जाके वो सब देखना पड़ेगा, क्योंकि मराठवाड़ा रीजन वहां से जुड़ा हुआ था और ये सब आप जानते हैं एजिटेशन मराठवाड़ा में हो रहा है। तो कुनबी स्टेटस उनको दिया गया, अब तक जो दिया गया है, जो सिर्फ किसान बन के उस पर ही निर्भर थे, खेती पे ही निर्भर थे, बाकी के भी कोई नेता ऐसे हैं, मराठा नेता ऐसे हैं, उन्होंने पहले कुछ महीने पहले ऐसे आवाज उठाई कि हम कुनबी, खुद को कुनबी नहीं कहेंगे या हमें कुनबी कैटेगरी में डाला नहीं जा सकता, हम अलग है। जैसे कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने भी इस तरह का स्टेटमेंट कुछ समय पहले दिया था। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बात हो गई है कि कौन ऐसे मराठा है जो खुद को कुनबी सर्टिफिकेशन देने के लिए, लेने के लिए तैयार है, और कौन है जो तैयार नहीं है, ये एक बात हो गई। और दूसरी, सरकार किसको देगी और किसको नहीं देगी, इस पे जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब देखना और ये करना इसमें टाइम जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि आप देखेंगे एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन पे भरोसा उठ चुका है मराठा कम्युनिटी का, ऐसा जो एजिटेशन चल रहा है उसमें दिख रहा है, और इसी वजह से उनके खिलाफ ये वायलेंस हो रहा है या उनको बोला जा रहा है कि आप हमारे गाँव में नहीं आ सकते, ऐसे होर्डिंग लगाए गए हैं। तो ये एक महाराष्ट्र में अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि अजीत पवार जैसे नेता है जी, ये जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, वो कुछ इलाकों में सीमित है रोहित जी, या आप देख रहे हैं कि वो और भी जगहों पे फैल गई है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अजीत पवार 30 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में है, 30 से ज्यादा, 30 साल पहले तो वो बारामती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए थे, उसके बाद वो MLA वहां से चुन के आते रहे, बहुत साल मंत्री है। पिछले हफ्ते ये हो गया कि एक शुगर मिल के सीजन का इनॉग्रेशन था, तो बारामती में, उनके खुद बारामती में उनका जो गढ़ है, वहां पे गांव वालों ने उनको बोला कि आप यहाँ नहीं आ सकते, और उनके खिलाफ आंदोलन हो गया और उनको कैंसिल करना पड़ा, माड़े गांव जो जगह है वहां पे। तो इसी तरह से हर गांव में ये हो रहा है कि जो जो चुने हुए विधायक हैं या जो भी एस्टेब्लिश नेता है, उनको वहां की जनता बोल रही कि आप हमारे गांव में नहीं आ सकते जब तक आप
मराठा रिजर्वेशन तो पे कुछ ये एक करेंगे। बहुत बड़े स्तर पर ये विरोध जो है वो फैला है, जैसे आप और उदाहरण दे अकेला रहे हैं। और एक हाँ अकेला आखिरी आखिरी मुद्दा बोलता हूँ, और एक अकेला आदमी जो नॉन पॉलिटिकल है, जिसका नाम 6-7 महीने तक किसी को पहले तक किसी को मालूम भी नहीं था, वो पूरी तरह से ये लीड कर रहा है, और वो जैसे बोले वैसे लाखों मराठा या करोड़ों मराठा आज करने को तैयार है। वो अगर बोलता है कि आंदोलन रोको तो वो रोकने के लिए तैयार है, वो अगर बोलता है कि ऐसा करो वैसा करो तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक अजीब फिनोमिना महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एस्टेब्लिश नेता पूरे घबराए हुए हैं, गवर्नमेंट डिफेंसिव पर है, और आज की जो मल्टी पार्टी मीटिंग हो गई, ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, उससे मुझे लगता है ज्यादा कुछ निकला नहीं है। अभी अगर गवर्नमेंट मनोज जरांगे पाटिल को कन्विंस कर सकती है कि वो अपना हंगर स्ट्राइक जो है उसको पीछे ले ले, तो ही कुछ इससे सोल्यूशन निकल सकता है, नहीं तो ये इम्पास बना रहेगा, और एक पॉलिटिकल क्राइसिस जैसी सिचुएशन महाराष्ट्र में देखने को मिल रही, खासकर मराठवाड़ा रीजन में। जी जी वेंकटेश जी, एक पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसा बता रहे हैं रोहित चंदावरकर, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब बारामती में अजीत पवार को जाने नहीं दिया जाता जिनका गढ़ है, ये दिखता है कि नेताओं अक्रॉस पार्टी लाइन नेताओं से नाराजगी है आम लोगों की, और एक आम आदमी मनोज जरांगे पाटिल वो इस आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं, और उनका उनकी भूख हड़ताल लगातार चल रही है। किस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस उभरता हुआ दिखता है अगर मनोज जरांगे पाटिल अपना अनशन नहीं तोड़ते हैं, जो वो साफ कह रहे हैं कि वो नहीं तोड़ेंगे जब तक कि आरक्षण नहीं मिलेगा। बिल्कुल पॉलिटिकल क्राइसिस है महाराष्ट्र में। मराठों की आबादी 30% से ज्यादा है, 30-32% कहते हैं, और जो उनका पॉपुलेशन थिक पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पार्टली नॉर्थ महाराष्ट्र में है। तो ये शुगर बेल्ट भी है, उनकी ताकत भी है, सामने चुनाव है, और आपको शायद पता होगा कि हर रोज वहाँ मराठा यूथ सुसाइड कर रहा है, आज तक शायद 8 या 9 लोगों ने सुसाइड की है। वो जब मराठा यूथ है और पॉलिटिकल पार्टीज डर गई है, उनका कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ गुड़ी गुड़ी भाषा कर रहे कि हमको समय दीजिए हम अच्छा आपको दे देंगे, लेकिन उसके ऊपर मनोज जरांगे ने आज कहा है कि हम भरोसा कैसा करें। उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को आप आके मुझसे बात कीजिए, लेकिन अगर वो बात नहीं करेंगे, जैसा कि एक डिमांड हो रही है कि स्पेशल सेशन बुलाइए और कायदा बनाइए, तो ये कहीं ना कहीं अगर उनको डेडलॉक ये डेडलॉक ब्रेक करना है तो आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ अपील से वायलेंट रिएक्शन है, पुलिस चौकी जलाई गई है, माजलगांव जो बीड डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील प्लेस है वहाँ म्यूनसिपल काउंसिल का वो ऑफिस जलाया गया, बीजेपी के लोगों पर अटैक है, उसके अंदर एनसीपी के दोनों फैक्शन पे अटैक है। तो टारगेट है एमएलए एमपीज है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सिटी जो बसेस है महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन की वो पूरे 8-10 जिलों में बंद है, वायलेंट रिएक्शन आ रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र में कोई बड़ा लीडर सामने अभी तक आया नहीं है। और क्या ऐसे कोई लीडर यहाँ पर दिख भी रहे हैं जो कि इस चीज को काबू कर पाएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं के खिलाफ नाराजगी है, चाहे वो कोई भी गुट हो। तो ऐसे में रोहित जी ये लग रहा है कि यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल जो हैं उन्हें कोई मना पाएगा, और अभी जो इस आंदोलन को कम से कम थोड़ा शांत करने का क्या एक रास्ता दिखता है, क्या सरकार कुछ ऐसा आश्वासन दे पाएगी, क्या वो मनोज जरांगे पाटिल का अनशन खत्म करा पाएगी, अनशन खत्म अगर कराती है तो शायद ये आंदोलन जो है कुछ शांत हो, पर सरकार के पास क्या इस तरह के विकल्प हैं अभी? नगमा जी, एक ही इसमें पॉजिटिव और अच्छी बात यह है कि मनोज जरांगे पाटिल बार बार ये बोल रहे हैं, मीडिया में भी बोल रहे हैं, आपके साथ भी बात में उन्होंने शायद बोला होगा, कैमरा पे बोल रहे हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अपील कर रहे हैं कि आप हिंसा पे मत उतरिए, आप कहीं पे कुछ जलाना तोड़फोड़ करना ये सब मत करिए, आप शांतता से सब कुछ करिए, ये खुद वो अपील कर रहे हैं। तो एक ये होप है, आशा है कि वो उनके फॉलोअर किसी स्टेज पे उसको रिस्पांस दे सकते हैं। दूसरी बात आपने जो पूछी कि कोई ऐसे नेता है इसमें कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे नेता अपनी क्रेडिबिलिटी नगमा जी इसलिए खो चुके हैं ज्यादा, और लोगों का गुस्सा इसलिए है कि 2019 के बाद जिस तरह से दल बदलते गए सारे नेता, कोई कभी बीजेपी के साथ जा रहा है, कोई बीजेपी को छोड़ के बाहर निकल रहा है, शिवसेना है वो बीजेपी को छोड़ के बाहर निकल रही है, अजीत पवार जो है वो अपने गठबंधन को छोड़ के शिवसेना के साथ जा रहे हैं। तो ये जो दल बदलना बार बार नेताओं ने किया है पिछले 3 सालों में, उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, उनकी विश्वासार्हता जो है जनता के मन में पूरी खत्म हो चुकी है।
तो इस वजह से आज जनता इस मौके पर, मतलब ये एक एक इंसिडेंट उनको ऐसा मिल गया कि जिस वजह से वो अपना गुस्सा निकाल रही है कि हमें इस पे सॉल्यूशन चाहिए। दूसरी बात आप ध्यान में लीजिए, वो इम्पोर्टेंट चीज है कि ओबीसी कम्युनिटी का भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नंबर है, और अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन इसमें लेती है जैसे कुंडी सर्टिफिकेशन देना या कुछ, उसका इम्पैक्ट ओबीसी कम्युनिटी पे होने वाला है, और गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि वो ओबीसी कम्युनिटी को हर्ट करे, वो उनको ये ओबीसी कम्युनिटी का जो वोट है वो भी संभालना है। तो इसलिए गवर्नमेंट हो कोई भी राजनेता हो, वो एक तरफ इसमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और दोनों तीनों तरफ का उनको बैलेंस रखना है। बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, ओबीसी है और मराठा कम्युनिटी है, सब जगह से डिमांड आ रही है, और इसमें क्या सोल्यूशन निकलेगा कैसा होगा ये तो कोई भी अभी नहीं जानता। एक ही चीज है कि इसमें हिंसा अगर रुके और लोग मनोज जरांगे पाटिल की बात सुन के जो भी आर्सन है, जो भी जलाना वगैरह, बस जलाना वगैरह जो भी चल रहा है वो रोक दे, तो शायद इसमें कोई सोल्यूशन निकल सकता है। नगमा जी, अगर हालांकि मनोज जरांगे पाटिल इस बात की अपील कर रहे हैं कि हिंसक नहीं होना चाहिए आंदोलन, पर ये भी कह रहे हैं कि वो इस अनशन पे रहेंगे। अब ये देखना है कि क्या उन्हें मनाया जा सकता है, क्योंकि ये आरक्षण देने में समय लगेगा और इतनी जल्दी ये नहीं हो पाएगा। इस बीच आंदोलन की आग वहां पे तेज हो रही है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में समय एक पॉलिटिकल क्राइसिस दिखता है, और जो नेता हैं वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। ज्यादातर नेताओं के खिलाफ आम लोगों में काफी नाराजगी है।